We are continuing our discussion on COVID-19 in Lucknow. If you see the media reports, उसके हिसाब से तो जो outbreak लखनऊ में हुआ है, which is in King George Medical University में, सारे papers आज उसी को carry कर रहे हैं, और उनके अनुसार में डॉक्टरों को सेकेंड वैक्सीन लगने के बाद में अगर कोरोना हुआ है, सो दैट्स ए टाइप ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, बिकॉज दो वैक्सीन लगने के बाद में अगर आपको कोरोना होता है, स्पर्ट में होता है, एकदम से 40 से ज़्यादा केसेस को होता है, एंड उस एरिया का पॉजिटिविटी रेट अगर 56% है, यानी कि जितने लोगों को आप टेस्ट कर रहे हो उसमें से आधे पॉजिटिव आते हैं, देन इट इज ए सुपर स्प्रेडिंग इवेंट, एंड ए सुपर स्प्रेडिंग इवेंट इन ए मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन हेल्थ केयर वर्कर्स इज ए टाइप ऑफ ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इट्स ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न। द रीजन बीइंग एक डॉक्टर कितने पेशेंट्स को मिलता है, ये सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, कितने लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। दिस कैन बी ए प्रॉब्लम इन द कंट्री अगर ये नया वेरिएंट ये प्रूव हो जाता है। अगर ये नया वेरिएंट, तो लेट मी रिवाइज द होल थिंग। आज मेरे साथ में अनु जैन रोहतगी जी भी हैं, वो मेरे से सवाल कर रही हैं इसी के बारे में। उनका ये कंसर्न है कि अगर म्यूटेशन हो जाए तो कैसे पता लगे। सबसे पहले जिनको दो वैक्सीन लग चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर उनको कोरोना होता है, एक पॉसिबिलिटी म्यूटेशन की, यानी कि जो नया वायरस है उस पे वैक्सीन ने काम नहीं किया, इसे हम वैक्सीन फेलियर बोलते हैं। जो लखनऊ से खबर आ रही है मीडिया के माध्यम से, उसके अंदर में कल 40 डॉक्टरों को जिनको कोविड के दो वैक्सीन लग चुके थे, उनको कोविड पॉजिटिव आ गया। इन सबके सीआरपी वैल्यूज नॉर्मल हैं, विद इन नॉर्मल हैं, इसका मतलब है 50% उसमें से सीरियस नहीं थे, हल्के सिम्टम्स थे, और 50% उसमें एसिम्टोमेटिक थे। इन सब लोगों की सीटी वैल्यू भी विद इन ये बताती है कि ये इन्फेक्शन नए इन्फेक्शन है। इन नए इन्फेक्शन होने के कारण से इन लोगों को जो नए इन्फेक्शन हुए हैं, कंसर्न हमारा ये हो जाता है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो ड्यूटी पे होते हैं, कितने लोगों को इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया होगा। इनको तो दो वैक्सीन लगे हुए थे, इसलिए इनकी बीमारी हल्की रही होगी, लेकिन इन्होंने जो बीमारी फैलाई होगी दूसरे पेशेंट्स को, वो तो नॉर्मल बीमारी ही कहलाएगी। क्या ये वैक्सीन काम किया कि नहीं किया, कह नहीं सकते, ये तो जीनोम स्टडी ही बताएगी कि ये वायरस 614 वाला वाइल्ड वायरस है या फिर यूके वाला वायरस है या डबल म्यूटेशन वाला वायरस है, ये स्टडी से ही पता लगेगा। बट दो वैक्सीन लगने के बाद में 40 डॉक्टरों को एक ही बारी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो पहला दिमाग तो यही बोलता है ये कोई नया म्यूटेशन है जो वैक्सीन पे काम नहीं कर रहा।